गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 7.3 चैप्टर बुक में से जो कर रहे हैं वो उसका टॉपिक रहेगा परसेंटेज। बच्चे परसेंटेज होता क्या है, ठीक है ना। परसेंटेज हमने एक लैटिन वर्ड से शब्द लिया है जो जिसका मतलब परसेंटेज। पर का जो मतलब होता है आउट ऑफ और सेंटर का मतलब होता है 100, ठीक है ना। जो पर का मतलब होता है आउट ऑफ और सेंटर का जो मतलब होता है आउट ऑफ 100। हम जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 में से निकालते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल क्या रहती है परसेंटेज की, जो वो अभी इस लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। परसेंटेज निकालने के लिए लगे, जैसे मैंने आपका क्लास में टेस्ट लिया, क्लास में टेस्ट हो रहा है, क्लास में टेस्ट देने के बाद आपने कुछ स्कोर किया, जितना भी स्कोर किया आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो तरीका आप आज आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। देखो, मैंने क्लास में टेस्ट लिया, टोटल मार्क्स कितने थे, 20। आपने जो मार्क्स गेन किए हैं, स्कोर किए हैं, गेन किए हैं, स्कोर किए हैं, वो आपके 10। तो जहाँ पे क्वेश्चन डिराइव हुआ कि आपके मन में भी क्वेश्चन डिराइव हुआ तो मैंने कितने परसेंट मार्क्स लिए, ठीक है ना, वो कैसे निकालेंगे। देखो, 10/20 multiply 100, इसकी कटिंग करेंगे तो जहाँ पे कितना आ रहा है 50%। जो आपने टेस्ट दिया था उसमें आपने कितने नंबर जो है स्कोर किए हैं, उसकी परसेंटेज कितनी है, वो कितनी है आपकी 50%। और उसके बाद जो रहेगा आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगी आप लोगों की समझने के लिए। देखो, मेरे 35 मार्क्स लिए आउट ऑफ 50 में से, आउट ऑफ 50 मार्क्स। देखो, 35 को हम लोग ऊपर रखेंगे और 50 को नीचे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमको पता चल जाएगा हमने उस टेस्ट में, उस एग्जाम में कितने मार्क्स लिए। 1, इसको कटेंगे 2, 35 टू या 70, तो हमारा जो परसेंटेज का स्कोर रहेगा वो 70% रहेगा। हमने पेपर में जो है वो 70% मार्क्स जो है हमने गेन किए। और उसके लिए आगे जो रहेगा, हम इससे जो है रेशो को भी कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग रेशो। इससे हम लोग रेशो को भी कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी रेशो ग्रेटर है, कौन सी रेशो जो है वो जो रहेगी आपकी स्मॉल रहेगी। इससे हमको परसेंटेज निकालने से हम क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी रेशो जो है ग्रेटर है। मान लो मैंने 4:5 लिखा और सेकंड रेशो लिखी 7:10। मैंने अब फाइंड करना है कि जे वाई ग्रेटर है या जे वाई रेशो ग्रेटर है। इसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/5, इसको इस पोजिशन में लिख लिया, मल्टीप्लाई 100। 5 को 20 के साथ जो है मल्टीप्लाई करने से 100 आता है, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 80%। जो हमारे पास 4:5 है वो हमारे पास 80% है, और 7/10 मल्टीप्लाई 100, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसिल है, ये 70%। तो हमको इससे क्लियर हो गया कि हमारे पास जो रेशो गिवन थी उसमें से कौन सी रेशो ग्रेटर है, तो हमारे पास ग्रेटर वाली रेशो कौन सी हुई, 80%। 80% जो रेशो हमारी वो क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या करना है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू
फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशो। किसी भी परसेंटेज को हमने रेशो में, परसेंटेज में, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना। 1% पर आपको जो है वैल्यू गिवन, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहले मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, फ्रैक्शन फॉर्म। नेक्स्ट जो रहेगा मेरा डेसिमल फॉर्म, जो इसके बाद नेक्स्ट रहेगा वो है रेशो फॉर्म। देखो हम 1% लेके चले हैं, इसको मैंने फिर फ्रैक्शन में चेंज करना है। जो परसेंटेज का सिंबल होता है वो नीचे जाकर 100 में कन्वर्ट हो जाता है, 1/100, 1/100। तो इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे मैंने 0 आगे, इसके आगे 0 को लिख दिया, 0 1, तो जहां पर मैंने डेसिमल लगा दिया तो ये आपका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद बचा रेशो फॉर्म, रेशो फॉर्म भी हम इसी को देखकर कन्वर्ट करेंगे, 1:100, 1:100। और उसके बाद आता है 2%, 2/100। यदि अगर इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, डेसिमल फॉर्म में तो हम लोग सिंपल, बिकॉज हमको पता है कि डेसिमल में चेंज करने के लिए नीचे 10, 100, यदि 1000, 10000, यानी कि 1 के पीछे 0 वाले डिजिट आते हैं, 0 जाती हैं, तभी इसको हम डेसिमल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए करेंगे, डेसिमल लगाया 0 2, क्योंकि जहाँ पर मैंने इसको ठीक से लिख लिया, 0 2 लिख लिया, इसको बताया मैंने, इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में। और उसके बाद रेशो फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, 2/100 गिवन। रेशो फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना है हमने, तो हमने इसकी लोएस्ट टर्म लिखनी है, 1/50, 1:50, जो रहेगा हमारा 1:50 आ जाएगा। इस प्रकार इसको हम रेशो फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, जैसे 20%, 20/100, इसके हम लोग जहां पे कटिंग कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसल, 1, 2, 1, 2, 2, 5, 10, 1/5 जो हमारे फ्रैक्शन फॉर्म है। और इसको यदि हम सीधे लिखें तो 0.20 हमारी जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। और इसको यदि हमने रेशो फॉर्म में लिखना है तो 1:5, 1:5, इस प्रकार हम इसको जो है तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म और रेशो फॉर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हम लोग उसकी एग्जाम्पल कर रहे हैं। देखो आपने, आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगी, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 19/20, साथ में लिख दिया कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। इसको आपने परसेंटेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 19/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 5 9 5 85%, इस प्रकार हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, सॉरी जहां पे 95 आएगा, 95 या 95, इस प्रकार हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। सेकंड, जैसे 1/25 भी बना, 1/25 मल्टीप्लाई 100, तो इसको हमने कैंसिल किया, 1 यहां पे 4
इसको कन्वर्ट करने से हमारे पास जो आपकी परसेंटेज आ रही है वो 4% आ रही है। इस प्रकार इसको हमने चेंज करना है। जो नेक्स्ट रहेगा हमारा नेक्स्ट रहेगा कहते कि 55% स्टूडेंट्स लाइक टू वॉच टीवी बट % ऑफ स्टूडेंट्स वट % ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक टीवी। तो इन्होंने मेरे को क्वेश्चन दिया है, उसमें बोला है कि जो 55% स्टूडेंट्स है वो टेलीविजन जो टीवी है उसको देखना पसंद करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो टीवी को देखना पसंद नहीं करते, टीवी को देखना लाइक नहीं करते। तो उसके लिए रहेगा देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हु लाइक वॉचिंग टीवी कितने पसंद कर रहे हैं 55%। जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करेंगे हम लोग इसके साथ ही। स्टूडेंट्स हु डू नॉट लाइक स्टूडेंट्स देखो टोटल जो भी टर्म होती है ठीक है ना, हमारे पास कितने परसेंट होती है 100% है। हमने जब एग्जाम देने आ रहे हैं या कुछ भी और क्लास में टेस्ट हो रहा है फिर कोई भी जैसे टीवी वॉचिंग वॉच कर रही है वो क्या है 100% है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो अब जहाँ पे कितना 55% वो देख रही है, टोटल 100% था, 55 वॉच कर रहे हैं, कितने बच्चे वॉच नहीं कर रहे वो हमारे पास आंसर आ गया 45% जो बच्चे हैं वो टीवी डिश को देखना पसंद नहीं करते। ऐसी चीज मैं जहां पे क्वेश्चन इसी को कन्वर्ट करता हूं कि 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉफी को लाइक करते हैं, 60% के बच्चे कॉफी को लाइक करते हैं, कितने बच्चे पसंद नहीं करते, तो सीधा आंसर 100 में से माइनस किया 60 को 40% जो बच्चे हैं कॉफी को लाइक नहीं करते। और इसके साथ वो कहते हैं कि आपके पास जैसे एक्सरसाइज में समझे रखे हैं कि डेसिमल दे रखे हैं कन्वर्ट करना आपने कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन और परसेंटेज। आपने डेसिमल वाली की डेसिमल दे रखी है आपने उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन के बाद उसको परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे 1.5 15/10 मैंने इसको जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते ही देखो मैंने इसको किस में चेंज करना है परसेंटेज में, ये आपकी डेसिमल फॉर्म में सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में। डेसिमल वाले को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लिया और इसके बाद इसको हम लोग इसमें चेंज करेंगे परसेंटेज में चेंज करेंगे 15/10 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, जीरो से जीरो कैंसिल
तो ये आपके पास आंसर आया था जो वो आ रहा है 150%। देखो मैंने बोला था कि टोटल 100% होता है, हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो 150% आ रहा है। 150 के लिए ये 1 से ज्यादा है ना, जहां से क्लियर हो रहा है कि 1 से ज्यादा है तो 150 आएगा। तो पहले मैंने इसको डेसिमल में डेसिमल काउंट आया तो नीचे 10 मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करके 10 के साथ 15 को तो 150% तक यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।